नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल पे स्वागत है। जी हाँ साथियों, आप लोगों का एग्ज़ाम 12 जनवरी 2020 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोस्तों अच्छी तरह से संपूर्ण हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2020। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग आसानी से दोस्तों फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ मना है दोस्तों, कुछ लड़कों से और एक ग्रुप के दोस्तों सर्वे से की गई दोस्तों गणना के अनुसार दोस्तों ये अगर कट ऑफ जो है ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है दोस्तों अनऑफिशियल 2020। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग आराम से दोस्तों ग्राउंड में जाकर फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्या है कट ऑफ मैं आपको लिए चलता हूँ। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे का आने वाले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे हर रोज़ मिला करेगी। तो चलिए साथियों, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो दोस्तों कट ऑफ जानने से पहले आपको ये जो निर्देश है आपको जानना बहुत ही आवश्यक है साथियों। तो चलिए, बहुत सारे लड़कों को पता होगा, जिन सारे लड़कों को पता नहीं होगा तो आप लोग बने रहें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है लिखित परीक्षा का जो स्तर है वो इंटरमीडिएट लेवल के दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे। और लिखित परीक्षा में दोस्तों 100 अंकों की होगी, 2x2 घंटा आपको समय दिया गया होगा। और दोस्तों हर एक प्रश्न के लिए आपको एक अंक दिया गया होगा। लेकिन मैं बता दूँ कि आपका ये जो पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे लड़कियों को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लड़के 100 में 100 अटैम्प्ट लेकर आए हुए हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन एक मैं बात बता दूं, फिजिकल के लिए जो न्यूनतम जो दोस्तों 100 में 30% अंक लाना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दोस्तों आपको अघोषित कर दिया जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अघोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपका जितना भी पद है 11,000 जितना भी पद है दोस्तों, उनके 5 गुने लड़के को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप देख सकते हैं, ये नहीं कि आप 30 अंक ले आए तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये न्यूनतम एक योग्यता है, राशि है कि आपको इतना लाने से आपको बुलाया गया अगर लड़के नहीं आने पर। लेकिन दोस्तों जितने भी सीट है उसके 5 गुने लड़के को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो कट ऑफ देख रहे हैं, अगर 20 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है फुल में फुल अटैम्प्ट लेकर आए तो चलिए। और मैं एक बात बता दूं, जो आपका जो लिखित परीक्षा है उनसे मेघा सूची तैयार नहीं बनेगी। आप यहां देख सकते हैं लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता माप परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगी। जी हां साथियों, आपकी जो मेरिट जो जारी होगी, आपका दौड़ प्रदर्शन देख के, हाई जंप लॉन्ग जंप देखकर आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और आपको 5 गुना लड़कियों को सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए मैं आप सीट पर बात कर ले रहा हूँ। देखिए दौड़ का भी दी गई है, 5 मिनट से जो पहले मारेंगे उसको 50 अंक दिया जाएगा। तो इन सभी हम चर्चे पे नहीं करेंगे, तो ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। देखिए सामान्य वर्ग अनारक्षित जो सभी के पद दिए गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला। तो दोस्तों टोटल जो पद है 11,880 × 5, यानी दोस्तों 5 × 5 = 11,000 + 200 जो इसकी जो संख्या, 5 गुने लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए साथियों, आप लोगों का जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है मैं आपको लिए चलता हूँ। तो दोस्तों मैं जाने से पहले आपको बता दूँ, जितनी भी सीटें दी गई है इनमें 35% महिला के लिए आरक्षित है, ठीक है। महिला के लिए अलग कट ऑफ जारी होगी। तो आप अब हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो दोस्तों कट ऑफ जो है एक सर्वे के अनुसार दोस्तों कट ऑफ है जो लड़का में दोस्तों मैं पता किया। और ये जो कट ऑफ है कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले ही सचेत कर दे रहा हूँ, अगर दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग आसानी से फिजिकल की तैयारी करें दोस्तों, आप लोगों को 5 गुने के अंदर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, समान वर्ग की जो आरक्षित है, ये जो कट ऑफ है जो जनरल के जो छात्र हैं, अगर 72 से लेकर अगर आपके 76 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। अगर मैं महिला का बात करूं, ये जो कट ऑफ है ये महिला के साइड में है, 65 से लेकर 68 तक में अगर जिनका भी मार्क्स आ रहे हैं जिस महिला का, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS 1% आरक्षित, 70 से 73 अंक के बीच आपके
अगर आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। महिला के लिए मैं बात करूं तो 62 से लेकर 65 अंक। अनुसूचित जाति यानी एससी के जो लड़के हैं 60 से 62 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। और महिला का मैं बात करूं 54 से लेकर 56 के बीच आ रहे हैं। जिस महिला का आप लोग फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिजिकल दोस्तों बहुत ही टफ है और आप लोगों को 5 मिनट से पहले जो भी दौड़ निकालें उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब एसटी की बात करूँ दोस्तों, एसटी की संख्या बहुत ही सीटों की संख्या कम है, 60 से लेकर 63 के बीच रहेगी। और महिला का दोस्तों 55 से लेकर 56 पर अंक, ठीक है। और हम अत्यंत पिछड़ वर्ग की बात करें युवा के लिए तो 67 से 70 वर्ग 70 नंबर जिनके भी आ रहे हैं तो वो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। और महिला के लिए 62 से 64 और पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं 65 से 68 अंक और महिला के लिए 58 से लेकर 60 के बीच जिनके भी अंक आ रहे हैं ना तो आप लोग आसानी से दोस्तों फिजिकल की तैयारी कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग के छात्र को देख सकते हैं 65 से 68 और महिला के लिए 58 से 60। पिछड़े वर्ग की महिला दोस्तों 7वें नंबर पर दी गई है, इनका स्पेशल सीट का सिलेक्शन दिया गया। इनके 55 से 58 मार्क्स जिनके भी आ रहे हैं ना तो आप लोग आसानी से फिजिकल कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाओं का 35% आरक्षित सीटें हैं। और दोस्तों हम बता दें आपका जो 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों और 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में चारों शिफ्ट मिलाकर दोस्तों आपका नॉर्मलाइज होगी, ठीक है। जिनका भी पेपर टफ रहेगा उनको दोस्तों फ़ायदा होगी, ठीक है। आप लोगों को नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ेंगे, जिनका भी पेपर टफ होंगे लेकिन आप लोगों को नॉर्मलाइज जरूर होंगे, ठीक है। ताकि 13 लाख प्लस फॉर्म आवेदन आए हुए हैं बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल में। तो दोस्तों अगर हमारी को कटअप अच्छी लगी होगी ना तो दिल से लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक करके वापस आ जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।